भाइयों और बहनों और बुजुर्गों सबको रमजान मुबारक। और मोदी साहब से कुछ नहीं कहना है, तारीख पे तारीख बढ़ते जा रही है, लोग परेशान हैं, कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही गरीबों को। और मैं उद्धव ठाकरे साहब से कहना चाहता हूँ, यहाँ चिंचोली में 300-400 लोग यहाँ पे फंसे हुए हैं मजदूर, उनको कोई जाने की कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही है और खाने का कोई बंदोबस्त नहीं है। कुछ थोड़ा बहुत खिचड़ी वगैरह पहले बट्टी थी, वो भी अभी नहीं मिल रहा है। तो जितने मजदूर है सब परेशान हैं, बेहाल है। और कितने लोग तो माँ बाप अपने बच्चों को छोड़ के कुछ काम से गांव में गए, जाने के बाद में वहाँ जाके फंस गए। फंसने के बाद अभी बच्चे परेशान हैं यहाँ पे कि माँ बाप वहाँ पे है, लेकिन उनके लिए कोई आने का कोई सुविधा नहीं है। तो अभी क्या उनको आने का कुछ बंदोबस्त किया जाए। यहाँ मजदूर तो परेशान है, वहाँ अपने माँ बाप अपने बच्चे के लिए परेशान है। एक एक दिन एक एक साल के साथ कट रहा है, लेकिन क्या करे, मजबूर है, कल कुछ कर नहीं सकते। मजबूरी यही है कि क्या किया जाए, क्योंकि माँ बाप वहाँ पे अटके हुए हैं और बच्चे यहाँ फंसे हुए हैं। तो आपसे उद्धव साहब से हाथ जोड़ के गुजारिश है कि यहाँ से भी भेजने का बंदोबस्त किया जाए मजदूरों को, और वहाँ से जो फंसे हुए हैं गाँव से वो उन लोग को भी लाने का बंदोबस्त किया जाए। बस मुझे और कुछ कहना नहीं है। मेरे जो जूनियर्स भाई लोग है, जूनियर आर्टिस्ट, यहाँ पे बहुत उनके पास भुखमरी चालू है। मेंबर भी है, नॉन मेंबर भी है, लेकिन क्या करे, काम नहीं है, शूटिंग बंद हो गई है, लोग के पास पैसे नहीं है। जो भाड़े पे रह रहे हैं उनके पास भाड़ा भरने के लिए पैसे नहीं है। जहाँ पे वो खाते थे उनको खाना कोई नहीं दे रहा है, राशन नहीं दे रहा है। मजबूरी है, लेकिन क्या करे, उनके जो समस्या है कोई सॉल्व नहीं कर रहा है, कोई सुन नहीं रहा है, क्योंकि हर आदमी परेशान है। नेता अपने में परेशान है, पब्लिक अपने में परेशान है। तो क्या किया जाए, जो उनके जो जो करता धरता है, जो शूटिंग पे बुलाते हैं, वो भी कुछ नहीं कर रहे। वो भी एक फ़ोन नहीं करते कि भाई तुम लोग किस हाल में हो। एक तो जो मेंबर है और जो नॉन मेंबर है, नॉन मेंबर तो अपने अपने कम पैसे में मजबूरी में काम करते, वो भी उनको टाइम पे मिलता नहीं है। लेकिन जो पैसा उनको जो पैसा उनका है उनको टाइम पे नहीं मिलता है। वो आज इनकी ऐसी हालत हो गई कि खाने के लिए मोहताज हो गए वो। और जो छोटे छोटे जो कोऑर्डिनेटर है वो तो उनकी कोई बात नहीं, लेकिन जो बड़े बड़े कोऑर्डिनेटर हैं, जो 300-400 उनके पास काम करते हैं, वो कोई उनको कुछ लेना देना नहीं है। आज चुपचाप बैठे हुए कोई कहाँ पे है, कौन क्या है, ऐसे टाइम पे तो उनको साथ देना चाहिए कि हमारे जो वर्कर है काम करने वाले, कम से कम उनके लिए कुछ किया जाए। लेकिन कोई नहीं है, उनका खुद का पैसा अटका हुआ है। वो खुद बोलते हैं हमारे सीरियल में यहाँ पैसा अटका हुआ, यहाँ है, वो अपने प्रॉब्लम बता रहे हैं, लेकिन वो मजबूर जो जूनियर आर्टिस्ट वो कहाँ जाएगा। लेकिन गुजारिश करके जितने भी कोऑर्डिनेटर हैं, बड़े लोग हैं, मैं आज जो समझो गुजारिश करता हूँ कि वो अपने जो भी कांटेक्ट में है उनको कुछ कुछ ना कुछ मदद करो, क्योंकि जो वो रह रहे हैं यहाँ पे, वहाँ पे भी उनको खाली किया जा रहा है। वो बोलते हैं खाली करो, यहाँ से जाओ, लेकिन कहाँ जाएंगे, क्योंकि मेरे कांटेक्ट में बहुत सारे लोग हैं, कांदीवली से लेके बोरीवली, मलाड़, विरार तक, इतने लोग हैं जो कांटेक्ट में मेरे को फ़ोन आता है, बोलते भाई ऐसा है क्या करे। लेकिन भाई अभी मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ, मैं भी कोई बहुत बड़ा इंसान नहीं हूँ, लेकिन जो भी है, जो बड़े कोऑर्डिनेटर हैं, उनको कुछ ना कुछ सहयोग करें, उनकी मजबूरी का साथ देवे। और मेरा वीडियो बनाने का मतलब यह है कि उनकी आवाज़ पहुँचाऊँ, इसके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। मेन चीज़ टॉपिक क्या है कि उस इस मजबूरी में है, ऐसे मजबूरी में साथ दोगे तो आपको उसका पुण्य भी मिलेगा, उसका आशीर्वाद भी मिलेगा भाई लोग का। तो आप जितना से जितना हो सके उनकी मजबूरी का, उनको मजबूरी में है उनको सपोर्ट करो। मैं छोटे छोटे जो कोऑर्डिनेटर हैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, जो बड़े बड़े जो बैठे हैं मुंबई में दिसगज, जो अपने आप को लगाते हैं कि हम कुछ है, लेकिन ऐसे वक्त पे वो साथ दो, जो उनका पैसा अटका हुआ है या उनको देना है या अपने तरफ से कुछ मदद करके, क्योंकि मजबूरी हालत में भाड़े पे रह रहे हैं, रूम आना खाली करा रहा है, खाने के लिए पैसे नहीं है। तो उसके लिए मैं एक ही गुजारिश करता हूँ, जो भी है भाई उनको मदद करो, सपोर्ट करो, मेरा एक ही कहना है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।